नशा मुक्त भारत अभियान के तहत पश्चिम चंपारण जिले में नशा मुक्ति को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। पश्चिम चंपारण के डीएम ने समरणालय से कला जत्था जन जागरूकता रथ को रवाना किया, जो गीतों के माध्यम से नशे से होने वाली बीमारियों की जानकारी लोगों तक बांट रहा है। तो पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बीजेपी क्रीड़ा प्रकोष्ठ ने 2 दिवसीय स्वर्गीय रामदेव वर्मा स्मृति ताइक्वांडो महिला और पुरुष प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतियोगिता का उद्घाटन खेल मंत्री आलोक रंजन और मंत्री जनक राम ने किया। वहीं मंत्री आलोक रंजन ने यह बताया कि जिस तरह से बीजेपी क्रीड़ा प्रकोष्ठ के द्वारा लगातार खेलों का आयोजन किया जा रहा है, उससे खेल और खिलाड़ियों का विकास होगा और राज्य का नाम भी रोशन होगा। भारतीय जनता पार्टी क्रीड़ा प्रकोष्ठ के द्वारा, प्रदेश क्रीड़ा प्रकोष्ठ के द्वारा स्वर्गीय रामदेव महतो जी की स्मृति में यह 2 दिवसीय ताइक्वांडो खेल का आयोजन किया गया है और इसमें एक से एक पूरे राज्य भर के खिलाड़ी, इसमें लड़के और लड़कियां उपस्थित हैं। हम बहुत शुभकामना देते हैं खास करके सभी खिलाड़ियों को, इसी प्रकार से यह खेलते हुए अपने राष्ट्रीय क्षितिज में इस नाम बिहार का नाम ऊंचा करे। और खास करके बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं अपने क्रीड़ा प्रकोष्ठ को, उसके द्वारा इस प्रकार का आयोजन करके खेल बिहार में खेल के को आगे बढ़ाने का काम किया है, इसके लिए बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल के लिए खबरों में यही तक, बाकी खबरों के लिए बने रहिए लाइव 7 के साथ। नमस्कार।